इस समय मैं महागठबंधन के तेज तर्रार और जमीनी नेता से जुड़ने आया हूं और यह जानने आया हूं कि बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में क्या होने वाला है। हम आज आ चुके हैं तनवीर हसन जी के पास। चुनाव, राजनीति, बेगूसराय की धरती, समाज, संस्कृति और देश, इन सारे बात सारे मुद्दों पे हमारी इनसे बात होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, ये बताएं कि 2019 का चुनाव आप उम्मीदवार हैं महागठबंधन से, आपको कैसा लग रहा है? 2019 का चुनाव देश के लिए बहुत निर्णायक चुनाव है और ये 2014 से अलग है, क्योंकि 14 का चुनाव एक धोखे में डाला गया चुनाव था और जिस पर जनता को जो मैंडेट जनता से दिया गया था वो मैंडेट में बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था, जनता की उम्मीद थी कि शायद कुछ नया जाहिर करिश्मा मोदी जी करेंगे और उनके आश्वासनों पर जनता ने उनको अपना जनादेश दिया था। गच्चे जनादेश पर बहुत बहुमत का नहीं था, केवल 31% का उनको जनादेश था, उसमें सरकार कम्फर्टेबल बन गई थी, इसलिए वो जो चुनाव था उनको एक उम्मीद और भरोसा दिला गया था देश को। लेकिन 5 साल में इस बात का एहसास जनता को हो गया कि वो जो उम्मीद और भरोसा जगा था वो केवल सपनों की बाजीगरी थी और ये सपने जो दिखाए गए थे सिर्फ वोट लेने के लिए, कई ऐसे सपने दिखाए गए जो बहुत जल्द ही जुमलों में बदल गए और जुमलेबाजी का उसको संज्ञा उसकी दी गई। तो 2019 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव इसलिए भी है, उन पिछले 5 वर्षों में जो कुछ भी इस देश के साथ हुआ वो बहुत गंभीर इशारे करता है और गंभीर इशारे करता है कि संविधान की रक्षा का सवाल है, संविधान में निहित जो अधिकार है जनता के और समाज के डिप्रेस्ड क्लास के जो अधिकार सुरक्षित किए गए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से और संविधान सभा के अन्य तमाम सदस्यों के प्रयासों से, उन तमाम अधिकारों पर भी उंगलियां उठने लगी, उनको भी बदलने के प्रयास किए गए, तरह तरह से उसमें छेड़छाड़ की गई, अल्पसंख्यकों के जो अधिकार संविधान दिए गए उसकी भी छेड़छाड़ की गई और लगातार ये मैसेज दिया जाने लगा कि इस देश के संविधान को बदल कर कोई नई शासन व्यवस्था बनाने का प्रयास हो रहा है। 19 का चुनाव इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए देश की वो शक्ति जो समाज में सद्भाव चाहती है, समाज में एकता चाहती है, समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक जो एक समरसता चाहती है, ऐसी शक्तियों ने मिलकर के महागठबंधन बनाया और महागठबंधन ने मिलकर के अब देश में विभिन्न राज्यों में उसका स्वरूप अलग अलग जरूर है लेकिन निहितार्थ एक ही है कि हमको केंद्र से NDA की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसको अपदस्थ करना। बेगूसराय में महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन है, बिहार में सभी जगह पूरे देश में भी है, लेकिन कहीं कुछ अपने नीतिगत भावनाओं के चलते कहीं कहीं प्रत्याशी भी खड़े हैं। बेगूसराय में जो सबसे बुजुर्ग नेता है रामदेव राय, उनसे आपकी मुलाकात हुई या बात हुई या कोई समर्थन मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से? नहीं, बिल्कुल, हमारी बैठक हुई थी गठबंधन की 31 तारीख को जी, उस बैठक में भी रामदेव राय जी थोड़ा विलंब से आए थे लेकिन बैठक में आ गए थे, वो पूरा आशीर्वाद उनका प्राप्त है, हमारी कई बैठकें उनके साथ हुई हैं और उन्होंने हर तरह से गठबंधन को मजबूत करने का आश्वासन ही नहीं दिया बल्कि उनके तमाम सक्रिय साथी और सक्रिय हैं मैदान में, इसलिए उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें वो खरी उतरेगा। बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका कि कभी एक समय था कि काफी बोलबाला था, CPI सातों सीट हमारा है का नारा मिलता था और यहाँ की जनता देती भी थी, आज परिस्थिति जो बदल गई है और उसमें कन्हैया कुमार का प्रत्याशी हो जाना, क्या कहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी क्या सोच लेकर गया है? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी अकेले सातों सीट पर कभी नारा नहीं दी थी। कम्युनिस्ट पार्टी 1990 में गठबंधन था जनता दल से 4 सीट जीती थी, 1995 में गठबंधन था जनता दल से वही सीट रिपीट की थी, फिर 1995 के बाद जो 1996 का लोकसभा चुनाव हुआ था वो भी गठबंधन था, उनके उम्मीदवार जीते थे, गठबंधन जनता दल का 89, 91, 96, उनकी जीत इन्हीं गठबंधनों के दौर में हुई थी, अकेले कभी नहीं हुई थी। अकेले कांग्रेस पार्टी केवल 1980 में जीती थी, जबकि 80 के पहले और 80 के बाद वो अकेले कभी नहीं जीती और 96 के बाद तो वो जीती ही नहीं। दूसरी बात है विधानसभा के चुनाव, आपको बताएं 1995 में विधानसभा गठबंधन के तहत जीती थी लेकिन 2000 में उन्हीं 4 सीटों पर से राजद भी जीत गया था जो लड़ा था 2000 के चुनाव में विधानसभा का, इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक तरफा जिला कभी नहीं रहा है, नारा भले जो देते हों कभी एक तरफा नहीं रहा और वो हमारे गठबंधन में जीते हैं, चाहे शोर बाबू हों चाहे शत्रुघ्न बाबू हों, ये सब हमारे गठबंधन में जीतते रहे थे और उसी का नतीजा था कि कम्युनिस्ट पार्टी कहती थी कि पूरे जिला में हमारा ही छाप है, लेकिन आज कम्युनिस्ट पार्टी कहीं नहीं है,
कम्युनिस्ट पार्टी पिछले बार चुनाव लड़ी थी जदयू से गठबंधन में थी और उसको 2 लाख भी वोट पूरा नहीं हुआ था। आपको अंदाजा है इस बात का कि आज कम्युनिस्ट पार्टी अपने किसी दांव पर खड़ी नहीं है, सिर्फ हवा हवाई है और जो इलेक्ट्रॉनिक या सोशल साइट का मीडिया है उसी पर उसके सारे कोहराम मच रहे हैं। वरना जमीन आपकी लड़ाई किससे? देखिए लड़ाई तो महागठबंधन से है और एनडीए के बीच की लड़ाई है, लड़ाई किसी दूसरे से नहीं है। पूरे बिहार में ये कन्हैया कुमार का आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों लोहिया नगर में भी लोगों ने अवॉइड किया, बैक किया, और लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि युवा वर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर कन्हैया हैं, बहुत तरह की बातें सामने आई। भाई डॉक्टर कन्हैया है तो तनवीर हसन 1999 में पीएचडी कर चुका है अर्थशास्त्र से, और लेकिन डिग्री कोई राजनीति का अलग से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। राजनीति एक परसेप्शन है, जो पढ़े लिखे लोग भी उस परसेप्शन को अमल करते हैं, बिना पढ़े भी अगर परसेप्शन के क्लियर होते हैं तो डिग्री का राजनीति में उस तरह का कंपल्सन नहीं है कि हाँ डिग्री का पहले बोर्ड आगे लगाओ तब राजनीति का तुमको क्वालिफिकेशन अच्छा या खराब समझा जाएगा। ये एक नए ओछे ढंग का प्रोजेक्शन है जो डिग्री से रिलेटेड है, वरना आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भी एमए इन इकोनॉमिक्स हूँ, पीएचडी हूँ, एलएलबी हूँ, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स का मैं भी एक सरकर्दा लीडर रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, जिस जमाने में मैं रहा करता था। इसलिए ये सब तो ओछी दलीलें हैं जो अभी मीडिया में कभी कभी लोग दे रहे हैं। सर ये बताएं कि 2019 के चुनाव में आम जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता के संदेश तो हमने 14 से लेकर 19 तक लगातार दिया है कि भाई देश पर खतरा है, देश में जो देश के चौकीदार हैं उनकी नीयत पर अब लोगों को संदेह हो चुका है, और जब नीयत पर संदेह हो गया है तो देश खतरों में है, देश उनके हाथों में खतरे में है। इसलिए देश को खतरों से बचाओ, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ, संविधान में निहित अधिकारों की रक्षा करो, संविधान का जो निहित स्पिरिट है, जो उद्देश्य है कि हमारा संविधान एक सद्भावपूर्ण देश को बनाने का संविधान होगा, लोग नफरत की फसलें उगाना चाहते हैं। महागठबंधन से पीएम के उम्मीदवार कौन? महागठबंधन से पीएम को उम्मीदवार, ये तो चुनाव बाद जो कॉन्सियंस है, चुनाव के पहले किसी का कॉन्सियंस आप कैसे समझ सकते हैं? हमारा कहना है कि पीएम हमारे संविधान व्यवस्था है कि निर्वाचित सांसदों के कॉन्सेंट से जो भी नेता चुना जाएगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा, मगर हम बलात्पूर्वक ये कहते हैं कि हम उस निर्वाचित जो डेलीगेटेड पावर फ्रॉम द पीपल होता है उस मेंबर के कॉन्सेंट की परवाह किए बगैर हम पहले ही उम्मीदवार प्रोजेक्ट करते हैं। तो गठबंधन के साथ में ढेर ऐसे लोग हैं जो उम्मीदवार होंगे, लेकिन अभी तो प्रोजेक्शन कांग्रेस की ऑल इंडिया पार्टी है, उनके जो नेता हैं वो हमारे सामने हैं एक मजबूत दावेदार के रूप में, लेकिन कल के राजनीति में और भी कुछ लोग आ सकते हैं तो बहुमत के आधार पर उसका निर्णय होगा जो लोकतंत्र का स्प्रिट है। क्या आप मानते हैं कि चुनाव में सीट को जीतने के चलते अच्छे अच्छे राजनीति के लोग का स्तर गिरा है बयानबाजी में? देखिए बयानवीरों की राजनीति चल रही है, बयानवीर ऐसे ऐसे भी हैं जिनका जमीनी सच्चाई से कोई सरकार नहीं है, लेकिन बयान से नफरत फैलाते हैं, नफरत की फसलें उगाते हैं, या अपने कमेंट से लोगों को या तो दुख पहुंचाते हैं या फिर हमारे जो रिएक्शन देने वाली जनता भी है उसके अंदर भी कुछ इस तरह का तत्व तो पैदा हुआ है कि वो इस तरह के बयानवीरों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। दोनों एनडीए हो चाहे कम्युनिस्ट हो, ये भरपूर सोशल मीडिया का उपयोग करती है, महागठबंधन इसमें पीछे छूट जाती है, खासकर क्या अपने बिहार में क्या कहेंगे? देखिए एक बात आपको बताएं कि 2014 का जो एनडीए का जीत था वो सोशल मीडिया के भारी उपयोग नहीं कहेंगे, भरपूर दुरुपयोग का वो रिजल्ट था, और उसी की नकल करके वाम दल भी कुछ अगर चाह रहे होंगे कि भरपूर दुरुपयोग कर करके हम इसका कोई एक फौरी जीत हासिल कर लें। आपने देखा कि पिछले 5 वर्ष में क्या क्या हुआ है, जिसने चाय नहीं बेची उसने कहा मैं चाय वाला हूँ, जिसने चौकीदारी नहीं की उसने कहा कि मैं चौकीदार हूँ, जिसके नजर के सामने देश लुटता रहा, देश के प्रसिद्ध बैंक सब लुटते रहे और प्रधानमंत्री के सर्किल के लोग पैसे उड़ाते रहे और विदेश का सफर करते रहे, यहाँ तक कि विदेशों में जाके नागरिकता ग्रहण के लिए यानी देश लौटने का सपना भी उन्होंने छोड़ दिया। तो जब ये सब कुछ हो गया है उसी सोशल मीडिया के दुरुपयोग से, तो इस मीडिया का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है, लोग भरपूर दुरुपयोग करना चाहते हैं। आप ना सदुपयोग कर पा रहे हैं ना दुरुपयोग? नहीं, हमारे भी देखिए मीडिया जगत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सदुपयोग वैसे सारे मीडिया जगत के लोग जो सदुपयोग के हामी हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ हैं और हम लोग के साथ काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीत के प्रति कितने आसान जीत हैं परसेंटेज में बताएंगे? ये तो जनता के हाथों में है जीत का, लेकिन जो जनता का रुझान है उसका हम यकीन तौर पर कह सकते हैं हमारी जीत सुनिश्चित। थैंक यू।